हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखो, सुबह के बज 6:30 हो गए होंगे, है ना? 6:30 हो गए हैं और मैं तना ली हूँ और सारे बन आंडन लाग रहे हैं। वन सुनान लाग रही है, मनु ना लिया, अंशु रह गई का पापा रह गया और नैनू भी ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही बनियान बनियान में। और देखो, दिखाती हूँ बाहर का व्यू। साधन था, अंधेरा हो रहा था गद्दी। इतनी तेज, ये देखो पहाड़, नदी, फिर पहाड़। और हम देखो उस सड़क पर आए थे, ओढ़े थे लगा था यो होटल जाना कति नज़दीक है, और घूम घूम का आए ना, उसमें भी 5-10 मिनट लग गई थी। और देखो आड़े का सारे कनुए हैं, बस पहाड़ा में घूम घूम का एक पर चढ़ना है, एक पर उतरना है। और देखो चांद भी दिखन लग रहा है और नज़ारा बहुत ही प्यारा कति एकदम। तो और जब सुबह उठी थी मैं 5 बजे, जब तक अंधेरा था इनमें सारे का लाइट चसा थी कति सड़क पर, कभी जो भी गाड़ी जाती हूँ मैं लाइट तो बहुत बढ़िया लग गया था। और देखो 1, 2, 3 सड़क है सीधी पहाड़ पग ऊपर ऊपर आई पर इतनी सड़क ना, सड़क तो सही थी ना इस वाले पहाड़ पर, दिखती को नहीं। देखो ये दिखेंगे, ये नबी कुर्सी डाल रखी। और मनु कह बार आना, मेरे को प्रियन आया था बाहर जाते ठंड लग, जर्सी पहन ली अपनी, जर्सी ले रखी कोट, फिर गाड़ी में बैठ कर पहन ली। और भैया जाऊंगे हम रोहतांग और टनल में तो उड़ा पाओगे, बर्फ पड़ती तो इस मारे मन तो नहीं। देखो श्याल ओढ़ लिया, कपड़े ना पहरे मैंने, एक कपड़े तो मैं जो रात ने पहरे थे वही पहन रही हूँ, कपड़े फिर थोड़ी बार मैं बाद पहन लूँगी, सारे जब तैयार हो लेंगे। मैं इतना तैयार हो ली सब तो पहले, और अपना ये मनु भी तैयार कर दिया, अंश वंश तो अपने आप हो लेंगी, मेरा काम हो गया है बस। ये भी हैं सारे नाल धो लें तो इनकी पैकिंग कर दूँगी कपड़े की। और आज सारे जुड़े रहिए, देखते रहिए पूरा ब्लॉग, क्योंकि आज बहुत मजे आने वाले हैं, हम बहुत मजे करेंगे वहाँ पर जाकर ना। देखो नदी है, जो भी है नदी भी है, नहर है। देखो कितनी छोटी सी बोट लग है, ये देखो ये दिखेगी बड़ी। और मम्मी उड़ा इधर देखो, घर इतने बड़े करते पाट जा है। देखो और बिरयानी के मतलब प्रैक्टिस ही करने लग रहे हैं, एक बतियाड़ा आ गए थे अब दोबारा फिर ले आने लग रहे हैं। और वो भी पानी के, पानी तो नूंजा है और ये उल्टे बल जा है, इतना कितना आंगा लगता होगा है ना। अरे के चलावे, एक के बच्चे दो, बच्चे का दो है, चलावे एक भी चला, दोनों चप्पू मार रहा है। मेरे आग अड़ गई, अड लेना मैंने अपना जींस टॉप दिखाना है। ये देखो भाई मेरा जींस टॉप और सब है ना, रात ने 12 बजे तक तो मंड रहे थे साका उतरण। नहीं नहीं भी होया रेडी हाँ सही लग गया है। चलो चल देखो गाइस, अब हम कपड़े धरने जा रहे हैं, वो भी ऊपर, कोई नीचे जाता हम ऊपर जा रहे हैं। और हम कमरों में थे तो हम भी नीचे हुए तो हमें ऊपर जाना पड़ रहा। वैसे तो मैं तो 2 बार आके जा भी चुकी हूँ और वो भी 2 मंजिल। ये देखो भाई सुबह सुबह हम चल पड़े हैं और जाऊंगे टनल, है टनल 8 बजे चलने।
तो सुबह सुबह 8 बजे भी सुबह हुआ है। लेट हो गए, नाश्ता भी गाड़ी में। हाँ देखो, नाश्ता भी गाड़ी में हो रहा है। ब्रेड तो खाया है और ये भी खा रहे हैं। गरता ले आ रहे थे खीस का खोआ बन रहा था। ये देखो बस भी कितनी स्पीड था, और पहाड़ देखो कितने गुफा दिखा रही थी ना, गुफा वो बंदर अंधेरा हो रहा था तब तक मैं गुफा में अंदर लगा था। अपनी ये गुफा बन रही थी, ये जो गुफा बना थी नई सड़क बनाएगी फिर नहीं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। गुफा मतलब पहाड़ काट काट के बनाने ला रही है, गुफा बना बना के बनाओगे और मजा आ रहा है। एक नंबर का रास्ता इसमें ऊपर नीचे जाओ ने जो, और ये तो कतीनू मजा आ रहा है। पर जब अंधेरा हो रहा था ना सांझ में कुछ नहीं दिक्कत था, जब तेरी मोड़ा पे शटर लगा था कती मरेंगे। अरे ये ऐसा लगा बस कती हाँ सही बैठी। पर जब मैंने कोई नुका देना एड गाड़ी चलानी है तो मेरे तो कती नहीं चल रहा। मैं तो आगे था ट्रक आ ना, जब तो मेरा जी लिख गया ट्रक देख कर एकदम तो जे बड़े बड़े रोड और वो देखो तो कितना वो सोचा ये गुफा बना है। देखो यह गुफा बना है, यह सीधी सीधी सड़क निकल जाएगी फिर नुका बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नुका दो महीने बाद आते तो जल्दी पहुंचने का राह होता। कल तुम्हारा सारा दिन आने में लग गया था। ये देखो मनाली में भी मेट्रो के जो कर मेट्रो चला कर रहे नुए गुफा बन कर ना, देखो इसमें का रेल जाएगी सीधी रेल पड़ो गाड़ी जाएंगी। ये गुफा बना है ऊपर ऊपर कितने पिलर खड़े कर दिए यारे का तो कसम सही लग गया ना। रोड भी कुछ बढ़िया सा आ गया। ये देखो अब चल रहे हम नीचे का गुफा में, और देखो एक गुफा बनी है मनाली में। तो फाइनली सीधा रोड आया ना, तो इतने मोड़ हैं कि तीनों चक्कर लग जा मोड़ा में। गुफा बनी है या तो कम तक कम सीधी है। ये देखो भी दो पहाड़ा पर बर्फ दिखने लगी है। ये देखो ये दिखने लग रही थोड़ी थोड़ी बर्फ, और ये हमने दिखने बहुत बार के लग रही है, बेरा नहीं पहुंचेंगे कितनी बार मोड़े तक। ये देखो बर्फ का पहाड़ फाइनली कितना बड़ा दिख रहा है, और एक छोटी सी चोटी पर बड़ा लाग रही है और इतनी बड़ी तो कती सही बर्फ दिख रही है व्हाइट चोटी बस ये दो है। देखो अब हम अटल टनल में 17 किलोमीटर रह रहे पहुंचने हो रहे, और ये देखो यहाँ पर जिप लाइन, एक जिप लाइन ये रही बहुत सारी बना रखी है तो, और बीच में टूट का पड़ जाए तो नहर में के पत्थरा के ऊपर सही का दिखती नहीं। देखो ये इतनी सारी लाइन जिप लाइन के लिए लग रही है, ये जिप सारे जिप लाइन के लिए देखो सारी जिप लाइन के लिए जो एक देव जान लग रहे अभी आन भी लग रहे दो आव है दो जाओ। देखो भैया हम यहाँ रुके हैं, मनु का पापा पीने लग रहा चाय, मैं चलो इतना हम भी थोड़े उतर का अपनी वीडियो बना ले। और देखो पहाड़ और झाड़ा लागा बड़ा बढ़िया लगती, और जिसमें मेरी तो मेरा टॉप तो मोटा है फिर भी झाड़ा लागा पहाड़ देखो। और मोनिका रह रही पीछे ही बह, कप कपी छूट चलो चाय पीने लग रहा। देखो भाई बर्फ कैसे पड़ी है, मैं बोलू ना जब कम आवाज सुना फिर। ये देखो कती ऊपर तक पड़ रही है, और पिंगलते भी कौन है देख लो मड़ा सा पानी नहीं ना दे रहा मड़ा मड़ा पानी आवा है पिंगला है।
हाँ पर हम नीचे नहीं उतर कर देखते, चलो लेट हो जाएंगे, हमने पहुंचना अटल टनल में। वहाँ ज्यादा बर्फ। हाँ वहाँ ज्यादा बर्फ, पूरी बर्फ देखेंगे। मम्मी एक दियो की। ये देखो भाई आ गए हैं फाइनल बर्फ में, और देखो कितनी सारी पड़ी है, सब मन रहे खेलने, हम भी जाओगे। वेट करने लगे थे तागा। ये देखो बर्फ मार दिए है। मम्मी देखो मैं नहीं उड़ा। के रही उड़े ए है कोई ना लेता पैसे वैसे। मैं कितनी असल मम्मी पड़ गई थी हम लोग जुल्म बच हम बच गए थे। ये देखो भाई तो सारे सारे रुपया वसूल कर लिए हैं आन के। ए बैठने तोली तो ये वीडियो बनाऊंगी तारीफ। ये देखो मनिका जाओगी सबसे पहले, सारे लाइन लाते क्या पाचा पाचा डट जी उड़ा जाकर या कहीं वीडियो इसमें कजा। मनु इस मन परली मोल है तेरी मौसी वाली में। ये देखो बर्फ में लाग रहे हैं, जाओ मनु नीचे। सारी पैंट टाली होगी। ये देखो कितनी मजा आ रही है, और पांच तो थरस थरस कर जाओ। ये देखो भी पानी कितनी तेज चल रहा है। और यार इतनी तेज चल रहा है, ऊपर झरना पे आ गया कभी। देखो पानी का शोर भी सुनता होगा अपने कितनी तेज। और दूसरी साइड तो दिखाऊं, ये देखो कितनी तेज पानी चल रहा है। Yes. ये देखो मनु अरवन सुला गया पत्थर तराऊंगी। रेड तो घनी तेज पानी आवा ना। हाँ ये एकदम तो हो रहा कर हो रहा। ये देखो भाई बर्फ में तो खेल खेल लिए, और मैं तो खूब मजे करे थी, सारी सारे कपड़े गिले हो गए। और ही खाओगे कुछ खाना वाना, क्योंकि सुबह बस हड़का फुड़का नाश्ता करके आए थे। और इब जाओ इब देखो एक पर बैठे थे, उस पता मैगी थी ब्रेड ऑमलेट था, पर वो ना खाने थे। मैं कुछ ईसा खाओगे भाई जिस तक पेट भी भर गया। तो इब जाओ ढूंढेंगे के मिल लगा के नहीं। देखो सारे आग आग हो रहे हैं, पीछे मैं रह रही हूँ पीछे, ना तो मनु का पापा रह रहा पीछे। बर्फ के कितने ऊंचे पहाड़ दूर तो उड़े तक पहुंचे। मम्मी नदी आड़े खड़ी थी। हाँ अब देखा है ना पीछे है। आज तेरा पापा नहीं आओगे मैंने जब किसी को कुछ नहीं। ये देखो कितने बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़।
आप सब भी देख ले भाई, जिसने नहीं देखे हो तो पौधे पादे भी नहीं पहाड़ा पर, कभी बर्फ बर्फ है। मनाली पहुंच गए हैं और ये खाएंगे हम खाना, और सुबह तनु हल्का फुल्का नाश्ता कर रहा था, काट के दिए मेरे चप्पल मम्मी, बिस्कुट नमकीन खा लिए थे पर रोटियां बना के मम्मी खाना बच गया है। हां मैंने तो कुछ सुनाई नहीं देता, मैंने बहुत कम सुनाई दे रहा है मम्मी, देखिए कदे घर तक पहुंचते पहुंचते बैरी हो गए। वो चप्पल दिए चप्पल मैं पीछे है मम्मी, लो पापा का फोन ले लो। तो ये ढाबा रेस्टोरेंट देख ला रहे कौन सा बढ़िया कौन सा नहीं, क्योंकि आड़ा नहीं सब मैगी मैगी ये मिल रहा है हल्की चीज। क्यों होया पार्किंग जगह तो कौन है बैठा सूत भाई, चलान काट दे आते बैठ पूछ ले। ये भैया खाना खा के हम तो फिर तो चल पड़े हैं अपनी गाड़ी में, और इबका देखो हमारी गाड़ी में पीछे बस नैनी था और मन्नू है, अंशु अंशु गई अपनी मौसी की गाड़ी में, दोनों किम बैठे रहे मन्नू और नैनी तो बना रहे अपना दोस्त ही अपना फोन में देख मंड रहे हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और अच्छे अच्छे कमेंट कर दियो। बाय, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।